जैसे जा रहे हैं कैसे लोग सेवा करते हैं। आइए एक और महिला श्रद्धालु से उनके बात करेंगे। नमस्ते मैम, क्या कर रहे हो आज आप, ये किस लिए आई हो आज यहाँ पे आप लोग? सफाई करने। किसने प्रेरणा दी है? गुरु जी ने। सरकार को क्या कहेंगी? सरकार से यही अपील है कि सभी अपने अपने घरों में सफाई रखेंगे, हमें आना ही ना पड़े करने के लिए। धन्यवाद मैम। जहाँ पे जाएंगे महिला श्रद्धालु हो या मेल श्रद्धालु, हर कोई अपनी तरफ से सफाई का, हर एक की तरफ से सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह से सफाई करनी है, किस तरह से सफाई का पूरा ध्यान रखना है। कसी हो या कुछ भी, सेवादारों की तरफ से हर एक जगह को अच्छी तरह चमकाया जा रहा है। बस बनाता रहा, कंटिन्यू बनाता रहा। वो आंटी इतना शोर किया बनाता रहा। इधर 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 करना। आइए और श्रद्धालुओं से भी उनकी राय जानेंगे। नमस्ते मैम, आपका नाम? राज। राज जी, क्यों आई हैं आज आप यहाँ? हम यहाँ सफाई करने आए हैं जी। हमारे गुरुजी ने हमारे को ये प्रेरणा दी है, तो उस प्रेरणा पर चलते हुए आज हम ये सफाई अभियान के मतलब सेवा करने आए हैं जी। गुरुग्राम में ही क्यों आई हैं सफाई करने? बहुत बड़ा इंडिया है, वहाँ क्यों नहीं गई? क्योंकि हमारे गुरुजी यहाँ पे 21 दिन के लिए रह के गए हैं, तो हमारे यहाँ गुरुजी ने चरण टिकाए हैं, तो हमारी इच्छा है कि हम वहाँ पे भी सफाई करके आएँ। हमारे को आज ये सेवा करके इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है, कोई बयान नहीं कर सकते हम उस खुशी का। सरकार को क्या अपील रहेगी मैम आपके यहाँ? सरकार को क्या अपील करोगे आप? सरकार को यही अपील रहेगी कि आगे हमारे को यही मौका दिया जाए, इस तरह के जो भी हम कार्य करते हैं हमारा पूरा पूरा सहयोग किया जाए। सरकार को हमारी यही अपील है जी। धन्यवाद मैम। हम देख सकते हैं डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हर तरफ अपने सफाई अभियान चला रहे हैं।